subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर वीर सावरकर की जयंती मनाई गई और उनके विचारों को याद किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मुंबई के महामंत्री व नवी मुंबई के प्रभारी संजय उपाध्याय, नवी मुंबई बीजेपी जिला अध्यक्ष रामचंद घरत, उत्तर भारतीय मोर्चा नवी मुंबई बीजेपी अध्यक्ष राजेश राय, भाजपा युवा मोर्चा नवी मुंबई जिला अध्यक्ष दत्ता घंगाले, बीजेपी नवी मुंबई युवती अध्यक्षा सुहासिनी नायडू, ऑड्री मोराइस, एडवोकेट रमेश त्रिपाठी, डॉक्टर जयजीनाथ व अन्य बीजेपी लीडर शामिल रहे। इस मौके पर मुंबई महामंत्री व नवी मुंबई के प्रभारी संजय उपाध्याय का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके शुभचिंतकों ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर बधाई दी। वीर सावरकर की जयंती की नवंबर के नागरिकों में हार्दिक शुभेच्छा देता हूं, क्योंकि वीर सावरकर एक स्वतंत्र के लड़ने वाले एक सिपाही थे, एक राष्ट्रीय भक्त थे और उनकी ये जयंती हमने अभी मनाई। पार्टी के हमारे 100-150 लोग इस पे समाष्ट हुए थे और साथ साथ में मेरे नव मुंबई के प्रभारी जो जिनको राज्य मंत्री दर्जा ऐसे उपाध्याय जी, संजय उपाध्याय जी, इनका आज जन्मदिन है और संजय उपाध्याय जी का जन्मदिन ये नई बॉम्बे के कार्यकर्ता के लिए उत्सव रहता है, क्योंकि गए 7-8 साल से संजय उपाध्याय जी मेरे जिले के प्रभारी हैं। हर कार्यकर्ता से वो रूबरू है, हर को जानते हैं और हर कार्यकर्ता उनके ऊपर प्यार करता है। उनके साथ साथ में काम करते हुए इतनी फ्रीडम मेरे को मिली और ये फ्रीडम की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी में न्यू बॉम्बे में जो 4 नंबर थी वो आज 1 नंबर पे आई है। उनका बेनिफिट अगर किसको जाता है तो संजय उपाध्याय को जाता है, इसीलिए मैं संजय उपाध्याय जी को इस जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। देखिए, आज वीर सावरकर जी हमारे हिंदुत्व की एक पहचान है। आज उस मौके पर उनके बारे में सभी लोग को जानकारी है, फिर भी एक हिंदुत्व के आज जो माहौल चल रहा है उनके बारे में जिन्हें थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है उनको और भी अपने वरिष्ठ लोगों ने जानकारी दी और हिंदुत्व का असली मकसद क्या है वो समझाए। और अब जैसे कि कल ही मैंने बोला था कि हमारे हिंदी भाषी नेता का प्रवास किसी न किसी से चलते रहेगा। कल आपने देखा कृपा शंकर सिंह जी आए थे, आज कोरोना काल के बाद संजय उपाध्याय जी आए, आने वाले दिनों में हमारे हिंदी भाषी और भी नेता जरूर आएंगे। आज पूरे उत्साह के इस दोपहर के समय भी पूरा माहौल गर्मामय था, इतने बड़ी तादाद में सभी लोग संजय उपाध्याय जी को शुभेच्छा दिए और पूरे जोश में हैं कि नेताजी आज इतने समय के बाद हम लोग के बीच में आए, तो सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। आज स्वातंत्र्यवीर विदा सावरकर यांची जयंती आहे आणि त्या जयंतीनिमित्त त्यांना भारतीय जनता पार्टी जिल्ह्याच्या वतीने या ठिकाणी पुष्पांजली वाहून विनम्र अभिवादन या ठिकाणी करण्यात आलेले आहे। त्यासोबतच आमचे नवी मुंबई जिल्ह्याचे प्रभारी आणि भाजप मुंबई प्रदेशाचे महामंत्री आदरणीय आमचे नेते संजयजी उपाध्याय यांचासुद्धा वाढदिवस होता, तो वाढदिवससुद्धा या ठिकाणी सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत यांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहाने साजरा केलेला आहे। येणाऱ्या कालावधीमध्ये नवी मुंबईमध्ये ज्या निवडणुका होऊ घातल्या त्या पार्श्वभूमीवर आज या ठिकाणी सर्व कार्यकर्ते उत्साहाने दाखल झाले आणि आमच्या वरिष्ठ नेत्यांना शुभेच्छा तर दिल्याच, त्यासोबतच आदरणीय स्वातंत्र्यवीर विदा सावरकर यांनासुद्धा विनम्र आदरांजली या ठिकाणी वाहण्यात आलेली आहे। सबसे पहले तो आज सौभाग्य की बात है कि हमारे वीर सावरकर जी जो हिंदू संपूर्ण राष्ट्र की संकल्पना किए थे और जिसको साकार करने में हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा तत्पर है, संयोग की बात है कि आज वीर सावरकर जी और संजय उपाध्याय जी की
जन्म दोनों दिन का जन्म दिवस एक ही दिन हमको मनाने का पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर आप वीर सावरकर जी का जो जिस तरह से वो ऊर्जावान थे लड़ाई लड़ने में, जिस तरह से दो टीमें थी, एक नरम दल और एक गरम दल, तो गरम दल का जो नेतृत्व करते थे उसी तरह आज वीर सावरकर जी की तरह हमारे संजय उपाध्याय जी हमारे पार्टी के यूथ के लिए यूथ कार्यकर्ता थे और यूथ के नेता थे और उन्होंने बहुत जोश होश से काम किया। नई मुंबई के प्रभारी बनने के बाद इनका नई मुंबई की सारी वार्ड संरचना में और नई मुंबई के यूथ और कार्यकर्ताओं में जोश लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इसी तरह वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी तरह पार्टी की और समाज की और देश की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आए हुए मान्यों का मुंबई महामंत्री और नवी मुंबई प्रभारी संजय उपाध्याय ने आभार व्यक्त किया है। मेरे जन्मदिन पर जिस तरह से प्यार नई मुंबई के सभी पदाधिकारियों ने दिया है, मैं उनका ऋणी हूँ और यही मेरी संपत्ति है। यही काम, यही प्रेम मुझको काम करने की प्रेरणा देता है। आज जिला के इस कार्यालय में मेरा स्वागत हुआ। मैं जिला के अध्यक्ष रामचंद्र घरत जी, राजेश जी और सभी पदाधिकारियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। युवा मोर्चा में काम किया हूँ इसलिए चिर युवा हूँ। हमेशा एक यूथ की फीलिंग है और चुनौती स्वीकार करने की ताकत है और जो भी जिम्मेदारी आए उसको अच्छे से निभाऊं यह कोशिश करता रहूँगा। वीडियो संदेश के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.